जाए ओ, बहारों का दामन छूट न जाए, फूलों का आंगन रूठ न जाए, ये सिंगार का दर्पण टूट न जाए, तड़प तड़प के अरे काहो हंटर वाली रानी हाँ अरे भैया ये हमार घर है घर कौनो यशराज का फिल्मी स्टूडियो नहीं है अब देखो बकर बकर करे जा रहे भाई सब लोग कौनो तरीका है और हाँ आगे से अगर कौनो ऐसी हरकत करी तो ये देख लो हाँ ये 3 किलो का हाथ है ये पड़ा तो अंचर पंचर ढीले कर देगा आगे से ये घर की परंपराओं के साथ कौनो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए का समझी हमार हंटर रानी रुक जाओ रानी ओ मेरी जानी कहाँ चली हमरा दिल तोड़ के हमरा ओ रानी वाह बच्चा लगवा तुम लोगों ने मनु 1 लाख को छुड़ाकर अल्लाह कसम बड़ा अच्छा काम किया तुम लोग का ये कारनामा सारे देश के सभी अखबार में छप गया इससे पुलिस की रही से इज्जत भी तार तार हो गई है ना अल्लाह बढ़िया काम बहुत बढ़िया काम हाँ भाईजान कारनामा तो हम लोगों ने बहुत बड़ा किया है लेकिन पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को हमें पकड़ने के अलावा और कुछ काम रहा ही नहीं भाईजान खबरी बता रहा था शहर के हर थाने में हम दोनों के फोटो पहुंच गए शहर की सारी पुलिस को सिर्फ हम दोनों को पकड़ने का काम दे दिया गया यही तो हम चाहते थे जावेद भाई उस आकाश को सबक सिखाने के लिए वैसे भी मन्नू और इखलाक को पुलिस की पेशी से छुड़वाकर हम लोगों ने पुलिस की बहुत बेइज्जती की है फिर पेशी पे जा रहे उन दोनों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया वाह बच्चे लोग इतना बड़ा कांड करने के सलीम बोलो वालेकुम सलाम भाई क्या खबर है वहां पुलिस वालों ऐसा हुआ पुलिस डिपार्टमेंट में और तुम हमको भी बता रहा है ओए सलीम तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है कि नहीं हाँ ओए ठीक है सफाई देने की जरूरत नहीं है अगली बार खबर थोड़ी जल्दी बताना वरना घर पर इंतजार कर रही तुम्हारी बीवी जिंदगी भर इंतजार करती रहेगी समझ में आया भाई फोन रखो एक खबर है तुम दोनों के लिए अब तुम लोग बताएगा
की खबर अच्छी है या बुरी? क्या खबर आई खान भाई? खबर यह है कि पुलिस ने तुम दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को 10,00,000 रुपया इनाम देगी। अरे भाईजान, ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम दोनों के फोटो लगेंगे और नीचे लिखा होगा 10,00,000 रुपया। हम दोनों तो पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे। शहर में क्या, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड फेमस। हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा। हम बताएंगे कि तुम लोग क्या कर सकते हैं। सुनो, बच्चे लोग। जी जी, अल्लाह कसम यही सही वक्त है तुम लोगों का। फरस जाओ। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ साथ चलने पर दूंगा। आई लव यू शिवानी। आई लव यू पवन। आई लव यू। I love you, Pavan. बोलो, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? बोलो पवन, बोलो, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना पवन? I love you, पवन। ये क्या होता जा रहा है मुझे? घूम रही है और बच्चा रो रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? दाती हूँ बाबा, दाती हूँ। थोड़ा पवन तो तर। जिगर हंटर वाली ने देख लिया ना, तो तेरे साथ साथ हमारे भी खेल रही। दाती हूँ, तू तो नहीं बदबद बनतल दे, हर टाइम घूमती रहती। कहाँ है रोहन? बहुत ठुमक ठुमक के चल रही हो। बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है तुमको? आज तो के छोड़ दे रही है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। जी मालती। याद रखना, जाए यहां से। जी मालती।
जल्दी पता लग जाएगा। हमारे मुखबिर उसके चारों तरफ मनी लगा दिया। और आप कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले थे मुझे? जी हाँ। क्या है इंफॉर्मेशन? जहां तक मुझे मालूम है कि इस घर में हो रहे तमाम साजिशों के तार इस घर से जुड़े हुए हैं। क्या? हाँ, कोई तो है जो इस घर की खुशियों से जलता है। इंस्पेक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि जो मुजरिम है वो शख्स इसी घर का है? हाँ। कौन हो सकता है? अक्सर ऐसा होता है सर कि हम जिन पर शक नहीं कर सकते गुनहगार वही होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। हमेशा चिराग तले ही अंधेरा होता है सर। आप एक सीबीआई ऑफिसर रह चुके हैं और उसे इस बात का यकीन है कि आप उस पर कभी शक नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके फैमिली का मेंबर है और इसी का नाजायज फायदा उठाकर वो आपके विश्वास का गला घोट रहा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं सचमुच अपनों के विश्वास में ये भूल गया था कि हमारे अपने भी कभी हमारे दुश्मन हो सकते हैं। एनीवे, थैंक यू इंस्पेक्टर। वैसे मैं चेक करूंगा कि मुझसे कहां भूल हुई है। ओके ऋषि जी, चलते हैं। ओके, हैव अ नाइस टाइम। बोलो, हम भैरोनाथ बोल रहा हूँ। मैं मंगल बोल रहा हूँ, भैरो मंगल। हाँ बोलो भैया। तुमने अब तक वो काम नहीं किया जिसके लिए जावेद ने तुमसे कहा था। अरे वो काम अभी नहीं हो सकता भैया। क्यों, क्या तुम्हारी नियत बदल गई? अरे नहीं, हुका है ना कि पुलिस ने घर देख लिया है। क्या मतलब? आजकल इंस्पेक्टर आकाश कौनो ना कौनो बहाने से यहाँ घर में आ जाते है। हुका है ना, डकैती पड़ी है भैया, डकैती। और तू के अंदर तुहार नाम आ चुका है। एक बात जरूर है कि उका तो हर पता ना ही मालूम है। बस लेकिन मुझे पैसा चाहिए, पैसा। उसका क्या होगा? पैसा? अरे भैया, अब है तो तुम पूरा यहां से सपट्टा मार कर ले गए हो इतना सारा पैसा। अरे सबके सब खर्चा कर दिए का? उससे तुमको क्या लेना देना है? अरे ऐसा मत कहो भैया, हार्ट अटैक हो जाएगा। उनके अंदर हिस्सा तो हमार भी है ना। ठीक है, लेकिन जल्दी से तुम वो काम निपटाओ जिसके लिए तुमसे कहा गया है। देखो भैया, जल्दीबाजी में जो वक्त की कदर नहीं करते हैं वक्त उनका मिटा दिया करता है। अरे सही समय का इंतजार करो, हम सब ठीक कर दूंगा। अब हम फोन रखता हूं, समझे का? ये भैरव का भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे बेवकूफ समझा है का? हम कौन? मुझे जानने की जरूरत क्या है? आप है ना? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ओके ओके, मैं ख्याल रखूंगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। हाँ हाँ, अब मैं रखता हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे सर। अरे चंदनमुखी, कैसी हो? मैं अच्छा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? चंद्रमुखी, मैं चाहता हूँ कि तुम ज्योति दीदी और मधुबाला पे नजर रखो, उनके एक्टिविटीज को नोट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में हो रही साजिश के तार कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है जीजू, मैं अपने तरफ से तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। मुझे पता है चंद्रमुखी, शर्मा जी भी कह रहे थे कि अगर मोहल्ले की गंदगी साफ करना होना तो सबसे पहले अपने घर की गंदगी साफ करो, खुद ब खुद मोहल्ले की गंदगी साफ हो जाएगी। और बात भी सच है कि घर वालों से जुड़ी हुई है, अगर जरा सी कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद वो आपके सामने आ जाएंगे। मुझे सब याद है चंद्रमुखी। और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं खामोश बैठा हूं? नहीं चंद्रमुखी, भगवान ने चाहा ना तो बहुत जल्द ही इस राज पर से पर्दा उठा दूंगा मैं। हेलो, हाँ जाफर भाई। अच्छा अच्छा, मैं अभी आ रहा हूं। चंदुकी, मुझे चलना होगा। माजी और दादाजी को चाय दी? हाँ, तब को पिला दिए। मतली दीदी और चंद्रमुखी दीदी रह दी है, और प्रेम साहब को उनको तो तब तक पहले दिए। क्यों गुंजा, आजकल प्रेम साहब कुछ बदले बदले से नहीं लगते? कुछ क्या, वो तो एकदम बदल रहे हैं। गुंजा, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? दी मालतीन, मैं तो लाम तली का हाथ बता ली हूँ। आपन काम तो होता नहीं तुमसे, और दूसरों का हाथ बटाने चली हो। तुम्हें पता है ना किस लिए रखा गया है तुम्हें यह? बच्चे की देखभाल के लिए। बच्चे की देखभाल के लिए? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गलती हो गई मालसिन। जाओ बच्चे के पास जाओ। तुम्हें यहाँ इसीलिए रखा गया है ना? और हाँ, दूध की बोतल लेती आना। पता है ना बच्चे का उठने का टाइम हो गया है। जी मालिक। और रामकली, तुम खाने में क्या बना रही? बैंगन का भरता, मटर, आलू और पालक पनीर। ठीक है ठीक है, जब खाना बन जाए तो डाइनिंग पे लगा देना, और हमको भी बुला लेना। ठीक है? जी भाभी जी।